बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी मतलब सही बात बताऊँ आपको तो सुबह के बजे हैं 4:08। ये अभी देखो तो इसलिए हालत ऐसी हो रही है। अभी जाएंगे, रेडी होंगे और उसके बाद मैं बताता हूँ कि आज का व्लॉग क्या होने वाला है और आज 4 बजे क्यों उठना हुआ है, क्या हुआ है। ऐसे थंबनेल देख के हमारी ऑडियंस जो बहुत स्मार्ट है समझ गई होगी, पर फिर भी पहले नहा लेते हैं उसके बाद तैयार होते हैं। और सभी को गुड मॉर्निंग और चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। और सन्नाटा देख रहे हो मतलब किस लेवल का है। ऑब्वियस ही बात है यार, सुबह 4 बजे हो गई, ये सारा ट्रेन की आवाज़ आ रही है और इस टाइम पर अगर कोई 1, 2, 3, 4 गाड़ियाँ जा भी रही होगी तो वो ट्रेन के लिए जा रही होगी। तो पहले रेडी होते हैं उसके बाद में मिलते हैं और ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। Hey guys, this is the final look what I am wear। तो अभी चलेंगे शूटिंग लोकेशन के ऊपर। और अगर ब्लॉग में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो अभी तक भी तो लाइक मारो और आगे भी कुछ अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या अच्छा लगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो अभी चलते हैं लोकेशन के ऊपर, लोकेशन के ऊपर सारी चीज़ें बताऊंगा मैं आप लोगों को तो जो भी है। और बाकी तो क्या ही बताऊं मैं आप लोगों को, जूम आउट कर लेते थोड़ा। तो अगर मैं थोड़ा भी अच्छा लग रहा हूँ लाइक कर दो, कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बाकी का व्लॉग मैं दिखाता हूँ और यहाँ की फ़ोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगा और कुछ टिप्स दूंगा मैं आप लोगों को, बताऊँगा कि किस टाइप की फ़ोटोज़ कैसे ली जाती है। अगर आपके पास लेंस और गियर्स है अच्छे तो ये है कैनन का 70-200 और इसमें मैंने 5D Mark IV 85mm और सोनी का 50mm लेंस लिया है। अपने पास सोनी α7 भी है तो वो भी लेके चल रहे हैं और बाकी Insta360 है, कुछ रील्स ट्राई करेंगे। बाकी तो अभी क्या बोलूँगी मैं आप लोगों को, तो चलो निकलते हैं। ये तो गाड़ी रेडी है नीचे, अभी देखते हैं आगे क्या सीन होगा। आई डोंट नो एनीथिंग।
तो जो भी होगा शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। बाल तो यहीं से ख़राब होना स्टार्ट हो गया। ये है अपना भाई शुभम, शुभम से हाय हाय हेलो। ये वो अजीज़ दोस्त, खास दोस्त, इसके साथ आ रहे शूट के ऊपर, यहीं पास में ही रहता है। और अपना भाई भी है, से हाय हेलो 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 ब्रदर, हाउ डू यू डू। तो बस मॉर्निंग का टाइम है, सब लोग वॉक पे निकले हैं, बस अपने दो फ्रेंड और आ रहे हैं यहीं पास में ही है, उनको रेडी होने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, तो बस वो आते ही निकलते हैं, देखते हैं क्या सीन होता है। उनके पास पोर्ट्रा लाइट वगैरह सब कुछ सेटअप है। सो फाइनली वी आर रीच ऑन हमारी लोकेशन के ऊपर जहाँ पर अभी शूट करने का सोच रहे हैं। और नाउ आई एम ड्रेसिंग लुक लाइक दिस एंड द सनलाइट इज बैक साइड। और ये गाड़ी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। और ये लोकेशन है जो फाइनली हमारी जो लोकेशन होने वाली थी। थोड़ा ये खोल देता हूँ यार, ये इरीटेटिंग का लग रहा है मेरे को। तो फाइनली जो हमारी लोकेशन होने वाली थी वो एक्चुअली हमारा मतलब पूरा जो हम सेटअप करके आए थे वो खेत के हिसाब से था कि कहीं गेहूं की खेती होगी। अभी यहाँ आसपास कोई नहीं है तो फिर मास्क खोल देते हैं। तो गेहूं की खेती के अंदर करने का था, पर अभी सारा कट चुका है। कुछ दिन पहले मैंने देखा था तो थी, पर अभी कुछ नहीं है। तो अभी ये जो एक लाइट हाउस है तो इसके पीछे अच्छा सा बैकग्राउंड लेके और फोटोग्राफी करने की कोशिश करेंगे। तो सेटिंग्स मैं आपको कुछ बताऊँगा, तो देखते हैं वो सेटिंग्स कैसे क्या रहती है, आई डोंट नो, क्योंकि लाइटिंग के हिसाब से आपको सारी आपकी सेट करनी होती है। तो आपको मैं ये नहीं कह सकता कि जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ प्रॉपर आपके वही सेटिंग्स काम में आएगी, क्योंकि कोई फिक्स नहीं है कि आपकी लाइटिंग कंडीशन कैसी है। जैसे अभी आप लाइटिंग कंडीशन देख रहे हो तो बैकग्राउंड बिल्कुल वैसा हो गया है, तो और अभी आप देखोगे तो सब कुछ अच्छा दिखेगा। लाइटिंग का फ़र्क पड़ता है बहुत, क्योंकि सन बैक साइड में है, और अगर मेरे बैक साइड में होगा और सन कैमरे के सामने होगा तो लाइटिंग कंडीशन अलग होगी। तो मैं एक छोटा मोटा एक आपको आइडिया दे दूंगा कि आप ये सेटिंग रखोगे तो आपकी ये फ़ोटोज़ आ जाएगी। और जिन्होंने इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, मतलब रील्स और स्टोरी और सारे अपडेट आपको इंस्टाग्राम के ऊपर मिलेंगे मेनली, तो आप वहाँ जाओ और वहाँ पर आपको और भी रिज़ल्ट और भी पोज वगैरह देखने को मिलेंगे, तो जाओ और देखो। बाकी तो अभी शूट दिखाता हूँ आपको कैसा क्या होता है। जो आप खड़े हो तो ये है शुभम, ये रवि, और ये अपने भाई फोटोग्राफी के प्रो लेवल वाले एकदम। तो आज कौन सा कैमरा यूज़ कर रहे हो भाई? मैं कर रहा हूँ 5D Mark IV। 5D Mark IV, और लेंस कौन कौन सा? 24-105। और कौन कौन से लेंस यूज़ करने वाले हैं? 70-200 और 85-50 mm 85 mm। और कौन से कैमरे? और हम लाइट यूज़ कर रहे हैं 8600 Pro। ये कौन सा है? सोनी सोनी अल्फा A7 III। A7 III है ना जी। ये रघुवीर भाई, मेरा नाम तो लिया ही नहीं। आपका नाम आप खुद ही बता दीजिए, आपनी तारीफ खुद ही कीजिए। नहीं बताइए। अरे शर्माइए। लाइट तो देखो, बताओ। अरे लाइट को छोड़ो, आप बताओ ना, नाम बताओ। बताओ। बेइज्जती हो रही है? नहीं, गजब बेइज्जती बिल्कुल नहीं है। बताओ। लाइट मारने के लिए था। वही क्या फायर हुई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, लाइट ऑफ है। ऑफ कर दी तो कहाँ से होगी? ऑफ कर देंगे तो कहाँ से होगी, बताओ।
अभी अभी सब कच्चे खिलाड़ी हैं, अभी अभी कोई भी यहाँ पे प्रो नहीं है। हम फालतू तारीफ कर रहे थे, इन्होंने कैमरा ऑन भी नहीं किया है और कह रहे फोटोग्राफी कर रहे हैं हम लोग। डिक्की खुली छोड़ दी है गाड़ी की, कोई भी आओ बस मजे लेके चले जाओ। यहाँ पे रील्स वगैरह शूट होगी इसमें, और इसमें 5D Mark 4 के अंदर फोटोज वगैरह। रघुवीर भाई कुछ कैमरे की सेटिंग्स बता दो यार, क्या सेटिंग रख सकी रखी है आपने? सेटिंग कुलदीप बताएगा। कुलदीप ये देखो आई फोटोज थोड़े हमें दिखा तो फोटोज अभी तो इसमें दिखेगी नहीं। सेटिंग्स क्या क्या रखी वो बता। ये सेटिंग्स मैंने 2.8 ISO रखी है। फ्लैश की तो 8 है, 1.8। अच्छा और उसकी DSLR की सेटिंग? इसकी मैंने स्पीड रखी है 8000 रखी है। वापस वापस आप मनोट लग रहे हो, मत करो रहने दो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। स्पीड रखी है 8000। हाँ 8000 के बाद में आगे तो बताओ क्या क्या रखा है। 8000 मैंने स्पीड रखी है और 500 ISO है। एक सेकंड थोड़ा फोकस कर रहा हूं, अभी हो रहा है। और 2.8 इसका एम्परेचर रखा है मैंने एज ए 70-200। अच्छा एज ए 70-200। सुनो तो सेटिंग्स थोड़ी बताइए, ये पैरों में फंस गया था तो सेटिंग्स बताइए। अगर आपको वीडियो में सेटिंग से कुछ अंदाज़ा लगे तो हार्श जो सनलाइट है मॉर्निंग में शूट करोगे तो सेटिंग्स बिल्कुल अलग रहेगी, और थोड़ा इस टाइम पे शूट करोगे तो अभी टाइम हो रहा है 7:14, तो इसमें भी इतना लाइटिंग का फ़र्क पड़ जाता है, मतलब कि काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है। आपको सेटिंग्स अपने हिसाब से सेट करनी होती है, पर एक छोटा सा आइडिया दे सकते हैं कि आपको ISO वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे कम करने पड़ेंगे, तो उससे आपको छोटा मोटा आइडिया लग गया होगा। और रील्स के लिए हमने जो यूज़ किया है वो है ये सोनी अल्फा A7 III, और इसको गिम्बल रोनिन एस के साथ में किया है हमने, ये रोनिन एस, और इसके साथ कुछ रील्स शूट किए। तो इसको हम ट्राई करेंगे कि यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी डालें, क्योंकि अभी मतलब मेरा मन तो नहीं बनाने का, पर सबसे ज़्यादा वायरल वही हो रहे हैं और मेरे भी कई अच्छे वीडियोस चले हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं भी डालूंगा। और मैं सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं सारे वीडियोस में अपनी जो भी चीज़ें हैं वो सारी शेयर करता हूं। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं आपके सामने कुछ बन रहा हूं और बता कुछ रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहां चल रहा है शूट, तो ये जो शूट अभी कर रहा है वो मेरा भाई है। तो ओके गाइस, इस व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। इस व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैला दो इस वीडियो को जिनको भी फोटोशूट कराने का शौक है, और मज़ा आया हो तो क्या बोलूँ हर बार। और यहाँ तक पहुँच गए हो वीडियो देखते देखते तो करना ही है ना यार, सब्सक्राइब लाइक तो करना ही है बेटा, कितनी बार बताऊँ। मिलते नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।